बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop No. 3, SQS Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 17,000 के पार पहुंच गई है। देश में कुल 17,265 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 543 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1553 नए मामले आए, ये अब तक सबसे अधिक मामले हैं जो एक दिन में सामने आए हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1030 पहुंच गई है और अब तक 25,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। आपको बता दें, गोवा से एक अच्छी खबर आ रही है। गोवा में अब कोई भी एक्टिव केस नहीं है, ये गोवा के लिए बहुत राहत भरी खबर है। इसी बीच दिल्ली में कुछ दिनों पहले पिज्जा डिलीवरी बॉय के कोरोना पॉजिटिव निकलने से साउथ दिल्ली में हड़कंप मच गया था। साउथ दिल्ली के 72 परिवारों को होम क्वारंटीन कर दिया गया था क्योंकि वह पिज्जा डिलीवरी बॉय के संपर्क में आए थे। पर अब दिल्ली से भी राहत देने वाली कुछ खबर आ रही है। पिज्जा डिलीवरी बॉय से जुड़े 16 लोगों की कोरोना टेस्ट की गई थी जिसमें सारे नेगेटिव आए हैं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।